सीआईटी एनसीई आर टी प्रेजेंट्स ट्रैलिंगल डिक्शनरी ऑफ जोग्राफी फॉर स्कूल्स भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश जोग्राफिया की लगत स्कूलों के लिए सहेल इंडेक्स एच हैबिटेट. पेज फिफ्टी सेवन हेल हेलस्टोन पेज फिफ्टी सेवन हेलोक्लिन 57. Hello, Klein. Page fifty seven. Hallocline. Page fifty seven. Hamlet. Page fifty seven. Harbour. Page fifty seven. Heavy industry. Page fifty seven. Hectare. H.A. Page fifty eight. Hectare meter. Page fifty eight. Herbivore. Page Fifty eight highways, page fifty eight histogram, page fifty eight host, page fifty eight horticulture, page fifty eight human made resources, page fifty nine human made satellite, page fifty nine human resource development, page fifty nine. Humidity. Page 59. Humus. Page 59. Hydration. Page 60. Hydroelectricity. Page 60. Hydrological cycle. Page 60. Hydrology. Page 60. Hydrolysis. Page 61. Hydrophytes. Page 61. Hydrosphere. Page 61. Now, let's move to the letter H of the Dictionary of Geography, starting at page 57. H. Habitat. It is part of an environment where an organism adopts to the physical environment and creates inter- and intraspecies relationship for making their survival possible. जहाँ एक जीव भौतिक पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढालता है और अपनी अति जीविता जीवित बनाए रखना को संभव बनाने के लिए अंत एवं अंतर जातीय संबंध स्थापित करता है मस्कन ये किसी माहौल का वो हिस्सा है जिसमें कोई अजफिया खुद को तबीयी माहौल में ढालकर कर अपने बका के इमकान के लिए बैन और दरो नस्ली रिश्ते कायम करता है Hail, hailstone. It is a type of precipitation where condensation takes place at a relative height from the surface of the earth, leading to the formation of water droplets at freezing point around a hydroscopic nuclei, which are pulled towards earth by gravitational pull but thrown back into the atmosphere repeatedly due to frontal energy. This process continues till the size of the hailstone gains considerable mass and falls down. Normally, the diameter varies from फाइव to फिफ्टी मिलीमीटर ओला एक प्रकार का वर्षण जिसमें संघनन पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है इसके कारण जल किसी आर्द्रता ग्रही केंद्रक के चारों ओर बूंदों के रूप में जम जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें नीचे खींचता है पर वाताग्री ऊर्जा सवहनीय धारा से वे वापस वायुमंडल की ओर धकेल दी जाती है और जमी बूंदों का आकार बढ़ता जाता है ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ओला इतना बड़ा न हो जाए कि वो नीचे गिर पड़े सामान्यतः इसका व्यास पांच से पचास मिलीमीटर होता है हेलस्टोन ओला ये एक तरह की तरसीब है जिसमें तकासुफ सतह ज़मीन से तकाबुली बुलंदी पर वाक़ होता है इसकी वजह से किसी आबी के मरकजा के गर्द नुक़ जमात पर ऐसे आबी कतरात बनते हैं जो कशिश सकल के बायस ज़मीन की तरफ खींचते तो हैं लेकिन महाजी तवनाई की बिना पर कुर्र हवा में बार बार वापस धकेल दिए जाते हैं ये अमल ओले के खासा हजम इख्तियार करने और नीचे गिरने तक जारी रहता है अमूमन इनका कतर पांच से पचास मिलीमीटर तक होता है। क्लाइन, द डिस्टिंक्ट जोन इन द ओशन बिलोविच दैलनिटी इंक्रीजेस शापले हेलोक्लाइन महासागर का वो विशिष्ट क्षेत्र जिसके नीचे लवणता में तीक्ष्ण वृद्धि होती है नुकतः नमकीनियत समंदर में वो नुमाया इलाका जिसके नीचे नमकीनियत में तेजी से इजाफा होता है स्मॉल क्लस्टर एट टू टेन ऑफ रूरल हाउसेज एट ऑफ अ रेवेन्यू विलेज इन इंडिया द क्लस्टरिंग ऑफ सच हाउसेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग कास्ट हायरार्की एंड ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा पल्ली जनगणना अथवा किसी राजस्व ग्राम के अनुसार स्वीकृत ग्रामीण घरों का एक छोटा आठ से दस समूह भारत में ऐसे घरों का समूहन संसाधनों की साझेदारी के सिद्धांत जातीय पदानुक्रम और व्यावसायिक संरचना के आधार पर होता है देसी बस्ती किसी मर्दम शुमारी के मौके पर आठ से दस देही मकानात का छोटा सा मजमुआ या महसूली गांव हिंदुस्तान में इस तरह के मकानात की मजमु बंदी वसाइल में इश्तराक पात के निजाम मरातब और पेशे वाराना ढांचे वगैरह पर मबनी होती है हार्बर इट इज शेल्टर्ड एक्सटेंशन ऑफ कोस्टल वाटर व शिप्स में एंकर सेफली to गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एडवर्सिटीज ऑफ the ओपन सी फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग their cargo. अ हार्बर has facilities फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स While सम हार्बर्स enjoy नेचुरल प्रोटेक्शन while अदर्स आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स पोताश्रय यह तटीय जल का एक सुरक्षित विस्तार है जहां समुद्री जहाज सुरक्षित लंगर डाल सकते हैं और खुले समुद्र के खतरों से बचाव करते हुए अपना माल चढ़ा सकते हैं और उतार सकते हैं पोताश्रय पर जहाज़ों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं होती हैं कुछ पोताश्रय प्राकृतिक सुरक्षा का फायदा उठाते हैं जबकि अन्य कृत्रिम संरचनाओं का बंदरगाह ये समंदरी साहिल की महफूज तोसी है जहां बहरी जहाज़ बहिफाजत लंगरअंदाज होते हैं और सामान उतारने और चढ़ाने के दौरान समंदर की तबाहकारियों से महफूज रहते हैं बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल की सहूलतें होती हैं बाज बंदरगाहों पर तहफ़ का कुदरती इंतज़ाम होता है तो बाज में मसनू इंतज़ाम हैवी इंडस्ट्री एन इंडस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट द फ्लो ऑफ रॉ मटीरियल टू द प्रोडक्शन साइट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट इट नीड्स इक्वली एफिशियंट एंड लार्ज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भारी उद्योग वह उद्योग जिसकी विशेषता भारी और स्थूल कच्चे माल का संसाधन है और जिसके परिष्कृत उत्पाद भी भारी है अतः इन उद्योगों को कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने और परिष्कृत उत्पाद को बाज़ार तक लाने में प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रभावी और बृहद यातायात और संचार के जाल की आवश्यकता होती है भारी सन्त भारी और ज्यादा हजम वाले खाम माल को ढालने और मसनुआत तैयार करने की सन्नत खाम माल और तैयारशुदा माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यकसा तौर पर मौसर और वसी जरा नकलोहमल और मवासलाती निजाम की जरूरत होती है पेज हेक्टेयर मेट्रिक यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया विच इज इक्वीव टू टू पॉइंट फोर सेवन वन एकर्स और वन हंड्रेड पार्ट ऑफ अ स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र मापने की मेट्रिक इकाई जो एक वर्ग किलोमीटर का एक बटा सौवा भाग है या दो दशमलव चार सात एक एकड़ के बराबर है हेक्टेयर रकबे की पैमाइश की फी मेट्रिक इकाई जो दो आशारिया चार सात एक एकड़ या एक मुरब्बा किलोमीटर के सौवे हिस्से के बराबर होती है हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम ऑफ अ मीटर डीप वाटर स्टैंडिंग ओवर अ हेक्टेयर ऑफ लैंड। हेक्टेयर मीटर एक हेक्टेयर समतल भूमि पर एक मीटर गहरे पानी का परिमाण हेक्टेयर मीटर एक हेक्टेयर हमवार जमीन पर खड़े हुए एक मीटर गहरे पानी का हजम हर्बीवोर एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स और एल्गी हबीवोज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जाम्पल काव गोट एलिफेंट एट्सेट्रा जनरली दे आर फूड फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज कार्निवज शाकाहारी एक प्राणी जो पौधों और शैवालों को खाता है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे गाय बकरी हाथी इत्यादि सामान्यतया वे द्वितीय उपभोक्ताओं अर्थात मांसाहारी का भोजन है सब्जी खोर जानवर पौधे और काई खाने वाले जानवर सब्जी खोर जानवर इब्तदाई सार्फीन होते हैं मसलन गाय बकरी हाथी वगैरह अमूमन वो सानवी सारफीन यानी खोर जानवरों की गज़ा बनते हैं हाईवेज अवाइड पब्लिक रोड फॉर्मिंग द मेन रूट बिट्वीन डिस्टेंट प्लेसेज इन इंडिया देयर आर नेशनल हाईवेज विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिट्वीन स्टेट्स एंड स्टेट हाईवेज बिल्ड फॉर लिंकिंग डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ स्टेट महामार्ग सरकार द्वारा बनाई गई एक चौड़ी सड़क जो दूर दूर के स्थानों के बीच मुख्य मार्ग बनाती है भारत में राष्ट्रीय महामार्ग विभिन्न राज्यों को जोड़ते हैं और राज्य महामार्ग एक राज्य के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं शाहराहें चौड़ी आम सड़क जो तवील फासलों पर वाक मकाम के दरमियान रास्ते की हैसियत रखती हैं हिंदुस्तान में कौमी शाहराहे हैं जो रियासतों को एक दूसरे से जोड़ती हैं और रियासती शाहराहें जो किसी रियासत में मुख्तलिफ मकाम को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाई गई हैं हिस्टोग्राम अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल एंड एरिया और हाइट डायग्राम एटसेट्रा इन अ हिस्टोग्राम प्रपोर्शनेट ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी आ प्लॉटेड अगेंस्ट दी अप्रोप्रिएट क्लास आयत चित्र बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण या प्रदर्शन जैसे वर्षा की बारंबारता और क्षेत्र या ऊंचाई का आरेख एक आयत चित्र में बारंबारता प्रदर्शित करने वाले आनुपातिक खंडों को उपयुक्त वर्ग के अनुसार आलेखित किया जाता है हिस्टोग्राम तकसीम तवातुर का जोग्राफियाई मुजाहरा मसलन बारिश और रकबा या बुलंदी वगैरह के तवातुर का खाका इसमें तवातुर जाहिर करने वाले तनासुब खाना मुनासिबी जुमरे के मुकाबिल बनाए जाते हैं हॉर्स्ट अ ब्लॉक ऑफ लैंड आई द अपलिफ्टेड अलॉन्ग पैरल फॉल्ट और लेफ्ट अपस्टैंडिंग बाई द सिंकिंग ऑफ द एडजॉइनिंग लैंड अलॉन्ग नॉर्मल फॉल्ट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉक माउंटन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस एंड स्केल सी ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन, उत्खंड या हॉस्ट स्थल का एक भाग जो समांतर भ्रंश की बगल में ऊपर उठ गया हो या अपने से सटे हुए भूभाग के सामान्य भ्रंश के किनारे नीचे धस जाने के कारण ऊपर खड़ा रह गया हो यह खंड प्रक्रिया और पैमाने दोनों ही मामलों में पर्वत से भिन्न है देखें भ्रंशोत्थ पर्वत हॉस्ट जमीन का वो हिस्सा जो मुतवासी शिगाफ के हमराह उभरा हुआ हो या मामूली शिगाफ़ मुत जमीन के नीचे धसने की वजह से बाकी रह जाए आमाल और पैमाने के अतबार से ये पहाड़ों से मुख्तलिफ है मज़ीद मजीदे शिगाफी पहाड़ हॉर्टिकल्चर ट्रेडिशनली इट इंक्लूडेड ऑल फॉर्म ऑफ गार्डनिंगट इज साइंटिफिक कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल नाउ इट रेफर्स टू कमर्शियल cultivation ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड लैंडस्केप गार्डनिंग इट is अ फॉर्म ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर with हाई इनपुट्स उद्यान कृषि पारंपरिक रूप से इसमें उद्यान कर्म या बागवानी के सभी रूप शामिल हैं यानी वैज्ञानिक व्यापारिक और मनोरंजनात्मक अब यह सब्जियों फलों और फूलों की व्यापारिक कृषि पौधों का प्रजनन और बागवानी भूदृश्यों से संबंधित है यह उच्च निवेश वाली गहन कृषि का एक प्रकार है पेज 59। बागवानी बागबानी रिवायती तौर पर इसमें सभी किस्म की बागवानी शामिल है मसलन साइंसी तजारती व तफरीही इससे मुराद सब्जियों फलों और फूलों की काश्त पौधों की नस्ली अफसाइश और आराइश बागबानी है यह ज्यादा लागत वाली अमीक पैमाने की काश्त है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मेकिंग देयर सर्वाइवल पॉसिबल दीज इंक्लूड मटेरियल रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग्स ब्रिजेस रोड्स पार्क्स एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री एंड कल्चरल रिसोर्सेज लाइक स्किल्स एजुकेशन, टेक्नोलॉजी आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक डांस एटसेट्रा मानव जनित संसाधन अपने जीवन को बनाए रखने के लिए मानव द्वारा रचित संसाधन इसमें भौतिक संसाधन जैसे इमारतें पुल सेतु सड़क पार्क कृषि पशुपालन और सांस्कृतिक संसाधन जैसे कुशलता शिक्षा तकनीकी कला और दस्तकारी संगीत नृत्य आदि शामिल हैं इंसान साज वसायल वो वसाइल जो नोए इंसानी अपनी मुमकिन बका के लिए बनाते हैं इनमें इमारतें पुल सड़कें पार्क जरात मवेशी परवरी जैसे मादी वसाइल और हुनरमंदी तालीम टेक्नोलॉजी, फन और दस्तकारी मौसीकी, रक्स वगैरह जैसे सकाफती वसाइल शामिल हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इट इज अ ह्यूमन मेड असेंबलेज ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस्ड इन द स्पेस विद इन द अर्थ ऑबिट फॉर गैदरिंग डेटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर एनवायरमेंट दैट इज यूज लैंड कवर क्लाइमेटिक चेंजेस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क And constructional activities, etc., these are also used for communication, including television, telephones, etc. These information are collected with the help of sensors placed in the satellite, which are sensitive to terrestrial radiation. These satellites are placed in the orbit around the earth with the help of a rocket. India has placed various satellites like INSAT. आईआरएस एड्यूसैट etc. मानव निर्मित उपग्रह यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक उपकरणों का एक संयोजन है जिसे अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है जिससे पर्यावरण के विविध पहलुओं से संबंध आंकड़ों जैसे भूमि उपयोग भूमि आवरण जलवायु परिवर्तन परिवहन जाल और निर्माण की गतिविधियों आदि का संग्रहण हो सके इनका उपयोग संचार जैसे टेलीफोन और टेलीविजन आदि के लिए भी होता है इन सूचनाओं को उपग्रह में लगे संवेदकों द्वारा एकत्रित किया जाता है जो भूविकिरण विकिरण के लिए संवेदनशील होते हैं इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया जाता है भारत ने अंतरिक्ष में कई उपग्रह जैसे इनसेट, आईआरएस और एड्यूसैट आदि स्थापित किए हैं इंसान साज सैार ये इंसान के जरिए बनाया हुआ साइंसी आलात का मजमू है जो ज़मीन के मदार में हमारे अपने माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं के आदाद शुमार फराहम करने के लिए खला में छोड़े गए हैं जैसे ज़मीन का इस्तेमाल ज़मीन का गिलाफ आबो हवा की तब्दीलियां नक़लोहमल का निज़ाम और तमीरती सरगर्मियाँ वगैरह इसका इस्तेमाल मवालाती निज़ाम के लिए भी हो सकता है इसमें टेलीविजन टेलीफोन वगैरह शामिल हैं ये मालूम सैरचे में लगे सेंसर की मदद से हासिल की जाती हैं जो अर्जी अशा के लिए हसास होते हैं ये सैारचे रॉकेट की मदद से ज़मीन की मदार में कायम किए जाते हैं हिंदुस्तान ने मदार में मुख्तलिफ मुख्तलि छोड़े हैं मसलन इनसे आई आर एस एड्यूसे वगैरह ह्यूमन रिसोर्स इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल क्वांटिटी एंड देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज क्वालिटी मानव संसाधन इसका तात्पर्य लोगों की संख्या मात्रा और उनके शारीरिक और मानसिक क्षमता गुण से है इंसानी वसाइल इससे मुराद लोगों की तादाद मकदार और उनकी जिस्मानी और जहनी लियाकतों खूबी से है ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द जनरल वेलबींग ऑफ सोसाइटी बाय क्रिएटिंग मोर रिसोर्सेज मानव संसाधन विकास मानवीय कुशलताओं में गुणात्मक सुधार लाना जिससे लोग समाज में अधिक संसाधनों का सृजन कर उसकी उन्नति में योगदान करने में समर्थ हों पर इंसानी वसाइल लोगों की हुनरमंदी के म्यार को बुलंद करना जिससे वो मजीद वसाइल पैदा करके माशरे की उमूमी बहबूदगी को बेहतर बनाने में मुआवन हो सकें ह्यूमिडिटी The अमाउंट ऑफ मॉइस्चर or वॉटर वेपर इन the एयर एटमोस्फेयर एट अ गिवन टाइम नॉर्मली इट रिफर्स टू relative ह्यूमिडिटी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आर्द्रता किसी निश्चित समय पर वायु वायुमंडल में विद्यमान वाष्प या नमी की मात्रा सामान्यतः इसका तात्पर्य सापेक्षिक आर्द्रता से होता है जब तक किसी दूसरी आर्द्रता का उल्लेख न किया गया हो रतूबत किसी खास वक्त में हवा कुर्र हवा में नमी या आबी बुखारात की मकदार अमूमन इससे मुराद रतूबतें इजाफी होती है जब तक दूसरी रतूबत बयान ना की गई हो क्यूमस द डार्क अपर लेयर ऑफ सॉयल मेड ऑफ द डी रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इट एड्स फर्टिलिटी टू सॉयल इम्प्रूवस इट्स मॉइस्टर रिटेंशन कैपेसिटी एंड ऑल्सो स्लोज डाउन सॉयल इन मृदा की ऊपरी गहरे रंग की परत जो मृत पौधों पशुओं और अन्य जीवों के अपघटित सड़े हुए अवशेषों से बनी है ये मृदा में उर्वरता और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाती है इससे अपर्दन में भी कमी आती है। पेज ह्यूमस सड़े हुए पौधों जानवरों और दीगर अजवियों के तहलील शुदा से बनी हुई मिट्टी की गहरे रंग की ऊपरी परत ये मिट्टी की जरखेजी में इजाफा करती है इसकी नमी बरकरार रखने की सलाहियत को बेहतर बनाती है और मिट्टी के कटाव को भी कम करती है हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वॉटर टू मिनरल्स कॉजिंग देयर एक्सपेंशन इनवॉल्व एडिशन ऑफ वॉटर टू मिनरल्स कॉजिंग देयर एक्सपेंशन डिसइंटीग्रेशन एंड देयर बाय फेसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग एग्जाम्पल कार्बोनेशन एंड ऑक्सीडेशन जल योजन खनिजों में जल के संयोजन के कारण उनका फैलाव और विघटन जिससे रासायनिक अपक्षय उदाहरणतया कार्बनीकरण और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को मदद मिलती है आबीदगी ऐसा अमल जिसमें मादनियात में पानी की आमेजिश होती है जिससे वो फैलने और बिखरने लगते हैं और इस तरह केमियावी फरसूदगी का अमल होता है मसलन कार्बोनियती अमल और तकसीरी अमल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी It is a process of generating electricity where the force exerted by falling water on the blades of turbine which in turn moves the generator attached to them and produce electricity. The fall of water can be through natural fall or human-made through dams and tunnels. Example, Naptha Jhakri, Himachal Pradesh and Umiam Lake, Meghalaya. Jal Vidyut ऊंचाई से गिरते जल के बल का उपयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन जब जल ऊपर से गिरता है तब नीचे लगे टर्बाइन का ब्लेड इसके बल से घूमता है और उससे लगा जनरेटर चलने लगता है जिससे विद्युत उत्पादन होता है इसके लिए प्राकृतिक जल प्रपातों या बांध बनाकर मानवकृत प्रपातों का उपयोग होता है उदाहरण के लिए नाप्था झाकरी हिमाचल प्रदेश और उमियम झील मेघालय पनबिजली ये बिजली पैदा करने का अमल है जिसमें टर्बाइन के पंखों पर बुलंदी से पानी गिराया जाता है और इससे कौवत हासिल करके मुंसलिक जनरेटर चलने लगता है और बिजली पैदा करता है पानी के गिरने का अमल कुदरती आबशार से भी हो सकता है और इंसान के जरिए बनाए बांधों और सुरंगों से भी मसलन <laughs> hydrological cycle the circulation of water particles in solid liquid and gaseous forms among different spheres of earth that is hydrosphere lithosphere atmosphere and biosphere water evaporates from water bodies and land surfaces including biosphere after condensation it falls as precipitation snow rain hail etc further it is stored on the surface in the form of soil moisture lakes glaciers groundwater oceans and also flows as surface runoff jaliya chakra prithvi ke vibhinna parimandalon, yani jal mandal स्थलमंडल वायुमंडल और जैवमंडल के बीच जल का ठोस द्रव और गैसीय रूपों में परिसंचरण जलाशयों और भूतल जिसमें जैवमंडल शामिल है से जल वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा गैसीय रूप में वायुमंडल में पहुंचता है वहाँ संघनन के बाद यह वर्षण हिम वर्षा और ओला के रूप में धरातल पर आता है यहाँ यह मृदा आर्द्रता झील ईमाने भौमजल महासागर के रूप में धरातल पर संचयित हो जाता है और कुछ जल धरातलीय प्रवाह के रूप में बहता है आबियाती दौराना जमीन के मुख्तलिफ कुर्रों मसलन कुर्र आब कुर्र हिजरी कुर्र हयाती और कुर्र हवा में ठोस सयाल और गैसी शक्लों में आबी जर्रात की गर्दिश आबी इ और जमीनी सतहों बशमूल हयातियाती कुर्रे से पानी के बुखार बनते हैं तकसीफ के बाद ये तरसीब की शक्ल में बर्फ बारिश ओला ओस वगैरह गिरता है फिर इसके जखीरे से सतह पर मिट्टी की नमी झीले ग्लेशियर जमीन दोस्त पानी और समंदर की शक्ल में महफूज होता है इससे सतह पर आब भी होता है Hydrology. इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सर्क्यूलेशन ऑफ वॉटर अमंग डिफरेंट फेयर्स ऑफ द अर्थ दिस सर्क्यूलेशन टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस माइक्रो एंड मैक्रोहाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पेज सिक्सटी जल विज्ञान यह पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के बीच जल के वितरण और उसके परिसंचरण में शामिल प्रक्रियाओं का अध्ययन है यह परिसंचरण विभिन्न बृहद और गौण जलीय चक्रों द्वारा पूरा होता है आबियात ये जमीन के मुख्तलिफ कुर्रों के दरमियान पानी की तकसीम और उसके दौरान के अमल का मुताला है ये खुर्द और कला मुख्तलिफ आबियाती गर्दिशों के जरिए होता है Hydrolysis. द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग विच इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिट्वीन द आयन्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड जल अपघटन रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया जिसमें खनिजों और जल के आयनों के मध्य हुई प्रतिक्रिया शामिल है जिसके फलस्वरूप नए यौगिक बनते हैं तहलील माए कीमयावी फरसूदगी का अमल जिसमें पानी के आयंस, जौहरी मजमुआ और मादनियात के दरमियान तामल शामिल होता है और इसके नतीजे में नए मरक्बात बनते हैं हाइड्रोफाइट्स दीज आर अ टाइप ऑफ द फ्लोरल लाइफ फॉर्म्स विच थ्राइव्स इन वाटर मार्श स्वॉम्प्स रन एट्सेट्रा जलोद भिद एक प्रकार का वनस्पति जीवन जो जल कच्छ दलदली रन में पनपता है आबी नबाता नबातिया की वो किस्में जो पानी कीचड़ दलदली कछार वगैरह में नशोनुमा पाती हैं। हाइड्रोस्फियर इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर वॉटर कवर ऑन द अर्थ एंड दस इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स दैट इज वॉटर वेपर स्नो आइस एंड वॉटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस एंड बीनीथ इट इट दस कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फोर फेयर्स ऑफ द अर्थ द ओशन कंटेन्स अबाउट नाइंटी सेवन परसेंट ऑफ वॉटर ऑन दी अर्थ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ह्यूडो मीनिंग वॉटर जलमंडल पृथ्वी के संपूर्ण जल आवरण के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है इसमें जल के सभी रूप शामिल हैं जैसे जलवाष्प बर्फ हिम तथा धरातल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित जल इस प्रकार जलमंडल पृथ्वी के चार परिमंडलों में से एक है महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का सत्तानवे प्रतिशत मौजूद है अंग्रेजी में इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जो ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूडो से लिया गया है जिसका अर्थ जल है इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़मीन पर मौजूद पूरे आबी को बयान करने के लिए होता है और इस तरह इसमें तमाम आबी शक्लें शामिल हो जाती हैं मसलन सतह ज़मीन पर और जेर ज़मीन आबी बर्फ का तोदा बर्फ की चादरें और पानी इस तरह ये ज़मीन के चार कुर्रों में से एक है समंदर में तकरीबन सत्तानवे फीसद ज़मीन का पानी मौजूद है ये यूनानी लफ्ज से माखूज है जिसका मतलब पानी है लेटर एज ऑफ ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ जोग्राफी फॉर स्कूल एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुमुल शकील यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉक्टर भारती कौशिक technical coordination buti langlingdo framework advice ajit horo assistance in production kusum lata produced and directed by vandana arimardan and this presentation is brought to you by ciet ncert new delhi india